और ये देखिए भाई ये चेक करें, लोग इंतजार कर रहे हैं पकौड़े का। ये चेक करें भाई, ये पकौड़े निकलना शुरू हुए। भाई कोरंगी छिलमर मार्केट से पकौड़े लेने आया हूँ, बड़ा नाम सुना हुआ है इनका और रश भी पड़ा है इनकी दुकान पे। तो भाई मिर्च के पकौड़े यहाँ तैयार होकर चले गए और यहाँ भाई ये देखिए प्याज के पकौड़ों का बेसन यहाँ पे फेंटा हुआ है। तो रश लगा हुआ था ना पीछे, वो ऐसे नहीं लगा हुआ था भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमदा। उम्मीद है भाई आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई अभी जो आप मेरे पीछे रश देख रहे हैं ना, ये किसी लंगर का रश नहीं है बल्कि ये लगा हुआ है पकौड़ों पे रश। और अभी मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में। तो भाई यहाँ के बड़े ही मशहूर हैं लल्लू पकौड़े के नाम से। तो इनके पास लोगों का काफ़ी रश लगा रहता है, रोज़ दूर दूर से आके इनके पकौड़े खाने आते हैं भाई। तो हम भी आज लोगों से थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, खुद भी अपना रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। तो चल के देखते हैं कि क्या सीन है। Check the mic and make sure it sound right, boys. भाई अगर अच्छा जी अभी एड्रेस अगर मैं आपको बताऊं तो भाई ये सामने देख रहे हैं आप तिरंगी बढ़िया तिरंगी। तो आप जैसे थोड़ा सा आगे आएंगे तो थोड़ा आगे आने के बाद आपको दिखेगा लल्लू पकौड़े वाला। देख रहे हैं आप लोगों का इस वक्त रश, क्योंकि तो रश लगा हुआ भाई। भाई ये देखें अभी माशाल्लाह लोगों का रश लगा हुआ, आप ये देख सकते हैं भाई। और कढ़ाइयाँ चेक करें आप, एक बड़ी कढ़ाई लगी हुई, एक वो लगी हुई, एक वो लगी हुई, और अलग अलग किस्म के इसमें पकौड़े। और जगह जगह से लोग बोल रहे हैं हमें दे दो, हमें दे दो। काफ़ी रश है भाई लोगों का, खड़े होने तक की हमारी जगह नहीं है। ये देखिए आप, ये चेक करें अभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने पकौड़े का। अपने अपने पकौड़ों का ऑर्डर दिया हुआ है, पकौड़े रेडी होने वाले बस। बड़े से थाल है निकाले जाएंगे पकौड़े, वो थाल लगा हुआ बड़ा। ये देखिए जबरदस्त भाई, ये चेक करें भाई, ये पकौड़े निकलना शुरू हुए। ये चेक करें भाई, हर कोई ठंडा आवाज़ें मारा है बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़े, गर्म गर्म पकौड़े पर आते निकल। और ये एक भाई के हमारे मिल गए पकौड़े, चल रहे थे मुझे तो, मुझे तो ये जिसके हाथ में खेल आ गए भाई, वो सिकंदर है। ये एक भाई सौ मिल गए पकौड़े ढक्कन मिट्टी के साथ। ये चीज़ चेक करें यार, क्या भाई एक भाई हमारे आए हुए अपनी छोटी सी बेटी के साथ पकौड़े लेने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामरान है। कामरान भाई आप पकौड़े लेने आए हुए लल्लू पकौड़े वाले के? जी हाँ, मैं लल्लू पकौड़े वाले के भाई कोरंगी छिलमर मार्केट से पकौड़े लेने आया हूँ, बड़ा नाम सुना हुआ है इनका और रश भी पड़ा है इनकी दुकान पे। रोजा खुलने में भी चंद एक मिनट रह गए। रश तो माशाल्लाह इनके काफी लगा। तो आपने पहले ट्राई करे इनके पकौड़े? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम लेने आया हूँ, मुझे किसी ने बताया था कि फर्स्ट टाइम आया अपनी बेटी के। बड़े फेमस पकौड़े हैं यहाँ के, तो मैं बच्चों को लेके अपने। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आयशा। तो आयशा आप पकौड़े लेने आई हो इनके पास? जी। आपने खाए पहले ट्राई करे इनके पकौड़े? नहीं, फर्स्ट टाइम आई हो। जी। अच्छे लगते हैं आपको पकौड़े? अच्छा भाई ये देखे आप, अभी गरम गरम पकौड़े एक और दफा कढ़ाई से निकलना शुरू हुआ। ये चेक करें, हर जगह से लोग बोले हमें ले दो, हमें ले दो। देख रहे आप, ये भाई को मिल रहे हैं, लेडीज को मिल रही। तो भाई मिर्च के पकौड़े यहाँ तैयार होकर चले गए और यहाँ भाई ये देखिए प्याज के पकौड़ों का बेसन यहाँ पे फेटा हुआ है और ये आलू रखे हुए आलू के पकौड़ों के लिए। अच्छा जी ये देखिए भाई, दोनों कढ़ाइयों में पकौड़े गलना शुरू हो गए, फिर से एक में अलग गलने और एक में अलग। जबरदस्त भाई, बेहतरीन हो गया ये चीज हो गया। वाह भैया बेहतरीन, और यार थाल दोबारा से खाली हो गया, लोग अभी भी वेटिंग पे खड़े हैं। यहाँ दोबारा से एक दफा पकौड़े लगना शुरू हुआ है।
ये चेक करें भाई, बाल में पकौड़े निकलना स्टार्ट हो गए। फाइनली भाई जंग लड़ने के बाद हमारे को हमारे पकौड़े मिल गए। तो भाई मैंने 100 रुपये के मिक्स पकोड़े लिए, इसमें काफ़ी सारे इन्होंने अलग अलग किस्म के पकोड़े लिए। तो ये है भाई पकोड़ों की शक्ल, तो अलग अलग किस्म का भाई मिर्च का पकोड़ा, और ये है आलू चाप और प्याज वगैरह के लिए। ये आलू का पकोड़ा, तो ज़रा पहले आलू चाप का पकोड़ा ट्राई करते हैं भाई। ये देखिए आप, अभी बिल्कुल कढ़ाई से गरम गरम निकले, तो भाई ये देखिए आप, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टेस्ट इतना बुरा नहीं है, लेकिन टेस्ट एवरेज है। बाकी हम इनके दूसरे पकौड़े ट्राई करते हैं। ये मुझे पालक का पकौड़ा लग रहा है, जरा ये भी ट्राई करते हैं। पालक का पकौड़ा भाई, टेस्ट अच्छा है। लोगों का जो रश लगा हुआ था ना पीछे, वो ऐसे ही नहीं लगा हुआ था भाई, अभी भी है, ज़्यादा नहीं लेकिन अभी भी रश लगा हुआ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये है भाई मिर्च का पकौड़ा, जरा इसको ट्राई करते हैं। अंदर मिर्च में इन्होंने मसाला भरा हुआ, तो एक अच्छा सा टेस्ट आ रहा है मसाले का, और ऊपर से अलग से मसाला भी डाल के दिया, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो भाई आज के लिए इतना ही, वीडियो का इख्तिताम करते ही पर ही, फिर एक और वीडियो में एक नई जगह मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।